Hello my loves, welcome back to the channel. Thank you so much for watching. My name is Sanjana and welcome back to another review video. और आज का product क्या है आप लोगों ने thumbnail पे देख लिया है, तो ये product बहुत ही unique है. अगर आप चाह रहे हो इस तरीके का product को use करना, तो इस video में आपको how to use और इसका क्या फायदा है सब देखने को मिलेगा. So please do watch this video till the end and don't forget to subscribe to my channel. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आजकल आप लोगों ने देखा होगा फेदरी आईब्रो आजकल ज्यादा ट्रेंड पे है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो. बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है और सारे ईयर पे ना चेंज होते रहता है ट्रेंड. पहले अलग टाइप का आईब्रो ट्रेंड था और इस बार इस तरीके का फेदरी आईब्रो ट्रेंड चल रहा है. तो इस तरीके का आईब्रो अगर आप चाहते हो ना, तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो. तो इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तब मैंने यूज किया था पेयर साबुन. तो सोप से बहुत सारा दिक्कत हुआ मेरे को, बट ये जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, ये वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके बारे में. तो मैंने क्या क्या फेस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सोप है ना, उसको अगर लगाने चाहे ना पानी के साथ मिक्स करने के बाद, वो बहुत ज्यादा झाग निकलता है, जो बहुत ही अजीब लगता है. जहां जहां साबुन लगा हुआ होता है ना, सूखने के बाद वो एरिया एकदम से प्लेन हो जाता है और उसके ऊपर कंसीलर लगाने से ना वो पूरा ही केक ही लगने लगता है. तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था. तो चलिए इस प्रोडक्ट को यूज करके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं या नहीं, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा. सबसे पहले आप प्रोडक्ट का पैकेजिंग, प्राइसिंग वगैरह कहाँ आपको मिल सकता है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, सारा कुछ देख लीजिए. तो हैव अ लुक. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको रिसीव होगा और कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे ना सारे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं, लाइक हाउ टू यूज, इसका प्राइसिंग, इसका नेटवर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो गाइस ये वाला जो साइन देख रहे हो ना, तो ये है इस प्रोडक्ट का क्रुएल्टी फ्री वाला लोगो. ये जो प्रोडक्ट है ना क्रुएल्टी फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. तो ये इसका छोटा सा आउटर पैकेजिंग. तो चलिए अंदर देखते हैं आपको अंदर क्या क्या मिल जाता है इस प्रोडक्ट के साथ. ओपन करते ही आपको मिलता है अंदर एक स्पूली और ये है इसका ये स्पूली. और इसका जो ब्रिसल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हार्ड ब्रिसल होता है ना तो उसमें जो आईब्रो को सेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बट इसका जो ब्रिसल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये थोड़ा बेंड है ताकि ये डब्बे के अंदर फिट आ सके, क्योंकि डब्बा है इसका बहुत ही छोटू सा है. उसके साथ आपको मिलता है एक आईब्रो रेजर और इसका भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और ये जो रेजर है ना गाइस, ये फोल्डेबल है, लाइक सी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है. और अगर आपके आईब्रो के अराउंड आपका थोड़ा थोड़ा हेयर अगर निकल आया है, तो इस रेजर के हेल्प से आप निकाल सकते हो. देन इसको अच्छे से फोल्ड करके रख भी सकते हो, सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ है और डब्बा के अंदर आने का भी, क्योंकि इतना छोटा सा डब्बा के अंदर फिट भी हो जाता है. तो ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, बैग के अंदर आ भी जाएगा. अगर इसको इंडिविजुअली आप लेके जा भी सकते हो, इंडिविजुअली यूज़ भी कर सकते हो. तो दोनों का ही मुझे क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, दोनों ही बहुत ही अच्छा है. तो गाइस आप देख सकते हो इसका जो आउटर पैकेजिंग का ही साइज इतना छोटा है, उससे छोटा ना ये स्टाइलिंग जेल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. हाउ क्यूट इज दिस गाइस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग. आप देख सकते हो मेरे पाम से भी छोटा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा आएगा, बट 10 grams का है तो हो सकता है इतना छोटा सा है. और इसका जो पैकेजिंग है ना, ये टिन का है गाइस. और इसको देख के ना मुझे याद आ रहा है जैसे विंटेज स्टाइल का होता है ना, पुराने जमाने का जैसे मेकअप आता था ऐसे टिन के बॉक्स में, उस टाइप का ही मुझे याद आता है देख के. और इसको स्लाइड करते ही ना आपका प्रोडक्ट अंदर आपको मिल जाएगा. जब मैंने खोल के देखा ना, तो मुझे लगा प्रोडक्ट कहाँ है यार, इतना ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो. तो ये ट्रांसपेरेंट सा जेल है अंदर, और इसको जैसे स्लाइड करके आपने निकाला ना, इसको खोला, उस तरीके से आप इसको बंद भी कर सकते हो. तो ये है इसका स्टाइलिंग जेल. तो आपको मिलता है स्टाइलिंग जेल, एक स्पूली और एक रेजर, ये तीनों प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. तो गाइस इस प्रोडक्ट का कीमत है 249 rupees, बट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. जब मैंने परचेस किया था ना, तो मैं 235 rupees में परचेस की थी, बट अभी अगर आप परचेस करोगे ना, तो आपको 19% डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको मिलेगा 200 rupees में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेट है. तो गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो. तो एक आईब्रो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए दूसरा कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले स्पूली को गीला कर लीजिए और उसके बाद वो स्पूली को अच्छे से जेल में अच्छे से डिप करिए, रगड़िए, ताकि सारा जो प्रोडक्ट है वो स्पूली पे आ जाए.
उसके बाद अच्छे से अपने आईब्रोज को कोम करते हुए उसको फैदरी इफेक्ट दीजिए, ऊपर की तरफ कोम करते हुए। और कोम करते ही ना अच्छे से आपका जो हेयर है सेट हो जाए। और उसके बाद ये मैं ब्रश के पीछे साइड से ना और ज़्यादा सेट कर रही हूँ दबा दबा के, ताकि वो मेरा जो आईब्रो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ब्राउ पाउडर से जो भी गैप्स थे ना उसको मैं फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन कंसीलर से एजेस को क्लीन कर रही हूँ, और लोअर पार्ट अपर पार्ट दोनों ही जगह आपको क्लीन करना है। और अच्छे से कंसीलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपर एरिया पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और देख सकते हो हमारा जो फैदरी आईब्रोज है कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पियर सोप से मेरा आईब्रो जब मैं फैदरी वाला ट्राई की थी ना, मुझे बता दूं मुझे 1 से 2 घंटा लगा था सेट करने के लिए, क्योंकि वो साबुन के साथ पानी जब मिक्स होता है ना, जब उसको रब करने लगते हो बाय यूजिंग स्पूली, तो वो ज़्यादा ना झाग निकलने लगता है। उसको सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और सेट करने के बाद जो एरिया होता है जहाँ पे साबुन लगा हुआ था उसको क्लियर करना पड़ता है वेट टिश्यू से, उसके बाद आप कंसीलर लगा सकते हो। उससे और एक्स्ट्रा जो टाइम है ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही अच्छा है, इसमें वो वाले प्रॉब्लम हमको नहीं आएंगे, क्योंकि ये जेल है, ये साबुन नहीं है, तो झाग नहीं निकलेगा। और अगर आपके स्किन में कहीं भी ये जेल लग गया है ना, उसके ऊपर आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया डेमो में, मुझे काफी अच्छा लगा। मेरा टाइम बहुत जल्दी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ इसके वजह से। और स्पूली बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत ही स्मूथ है। और साथ में ये जो रेजर दिया गया है ना, ये तो भी मैंने यूज नहीं किया है, बट बहुत अच्छा क्वालिटी का है और फोल्डेबल है। मुझे फोल्डेबल वाला जो रेजर ना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको भी फैदरी आईब्रोज करना पसंद है या फिर आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। 200 में क्या है गाइस। अगर आपको फैदरी आईब्रोज नहीं पसंद है तो क्यों परचेज करोगे, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपको नहीं पसंद है तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में सोप यूज करोगे ना, आप मेरे तरह एकदम पागल हो जाओगे। मतलब इतना टाइम लगता है, मैंने इसको हाफ एन आवर में दोनों आईब्रोज को अच्छे सेट कर लिया था। हाफ एन आवर में नहीं यार, 15 मिनट में तो मैंने कंप्लीट कर लिया था मेरे आईब्रोज को। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और 200 में मुझे थोड़ा क्वांटिटी बहुत ही कम लगा। बट आप ज्यादातर ये वाला आईब्रो स्टाइल तो ट्राई नहीं करोगे ना हमें, उसे तो चलेगा ठीक है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हो। और गाइस इसमें ना एक्स्ट्रा क्या है, इसमें ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रोडक्ट जो है क्रुएल्टी फ्री है, और ये वाटरप्रूफ भी है गाइस, वाटरप्रूफ भी है। और आप इसको माइसोलर वाटर से हटा सकते हो, और छोटा सा तो है, बैक फ्रेंडली है। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, कुछ न्यू ट्राई करना चाह रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट स्विस ब्यूटी स्टाइलिंग जेल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना कमेंट देना मत भूलेगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलूंगी ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट के साथ, नए नए रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच। बाय।